गिरनी किसने? भाजी बैठ जाए, आवाज तेज निकलती मेरी जगह। हाँ मेरे क्रैकर वाली आवाज है बिल्कुल एकदम। कहा क्या कह रहे थे? बैठिए बैठिए बाबू जी बैठिए। मैं कह रहा हूँ कितनी महंगाई क्यों? मौलाना जी के ये कहना चाहता हूँ, धन्यवाद के पात्र हैं ये। मौलाना जी बिल्कुल, मौलाना जी से कहिए आई लव यू शर्मा जाते हैं तुरंत। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि ये पूरे धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये ऐसा। अरे मैं तो ताज्जुब मान गया कि मौलाना ने कैसा तर्क निकाला। बोले कि अगर गणेश जी की फोटो छापेंगे तो वो जो मीट बेच रहा है शराब वाले के पास जाएगा वो नोट। लक्ष्मी गणेश वाला, लक्ष्मी गणेश जी। और आप देखिए ना, नोट को जब गिनते हैं तो क्या थूक लगाते हैं कई बार, तो वो उसका भी ये जो हिंदू है ना उसका दिमाग खुल रहा है धीरे धीरे। अब अरविंद केजरीवाल जी को सोचना पड़ेगा। मैं आया नॉर्थ ईस्ट, दिमाग खुल रहा है धीरे 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 खुल रहा है कि वो जो थूक लगा के भी गिन लेते हैं और वो कसाई के पास भी जाएगा और वो खमीर खाए पता चला मुर्गा खा के आए हैं। और गणेश है कांग्रेस से भी पूछा जाए, कांग्रेस से बड़ी चिंता हो रही कांग्रेस की है। हेलो जी, कहाँ से? जी मुरादाबाद। मुरादाबाद से पहले आगे तो आपके झुमके की तारीफ करते हैं और इसकी, और ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है और अंगूठी भी दिखाइए। पापा आपका डेली शो देखते हैं, आपके फैन है, मैं पापा को लेकर आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे हैं? बहुत बहुत ठीक। मुरादाबाद से आना हुआ तो गणेश लक्ष्मी की फोटो छप रही है अब? बड़े छप जाए, बोले छप जाए, बहुत अच्छी बात है छप जाए। जी कंप्लीट करिए। देखिए प्रतीक जी, दो तरह के हिंदू हैं आज की देश में। दो तरह के हिंदू। अरे यार क्यों कहते हैं यार, हिंदुओं को तो रखो एक। ना, 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 दो तरह का हिंदुत्व है आज की देश में। एक तो मन से जो जिसने इस देश के लिए अपने हिंदुत्व के लिए खून पसीना बहाया है वो भाजपा परिवार है। दूसरी तरफ ये रंगे हुए सियार हैं जो लोग कभी भगवान श्री राम के अस्तित्व प्रश्न उठाते थे वो तो त्रिपुंड लगाकर कोर्ट में जनेऊ पहन के घूमना शुरू कर दिए दत्तात्रेय गोत्र बताकर। दूसरे हिंदू एक और ये देख लीजिए, गुजरात उत्तर प्रदेश में नोटा से कम वोट मिले, उत्तराखंड में नोटा से कम वोट मिले, गुजरात में ये हालत ना हो जाए इसलिए ये हिंदू हिंदू खेलने लग गए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इतना ही हिंदुत्व जागृत है तो जो मस्जिदों को आप लोग लगातार हर महीने 50,000 रुपए देते हैं, जो केवल मुस्लिम छात्रों की छात्रवृत्ति आपने दी है उस पे कौन प्रश्न पूछेगा? बिल्कुल पूछे। आगे आओ, पीछे क्या खड़े हो? क्या नाम है? नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मद कहाँ से आना हुआ? इधर आओ, पास आओ मेरे। मुरादाबाद से। अरे मुरादाबाद आज बहुत आ गया, क्या बात है? केजरीवाल की मोहब्बत से आ गया। हाय हाय, ये नारा है सब जने दिल्ली में आ जाओ, मैं हूँ खड़ा इधर ही। हाय हाय, तो केजरीवाल का नारा है सब लोग इधर ही आ जाओ, तो आप इधर ही आ गए हो? आ गए। अच्छा तो गणेश और लक्ष्मी कहाँ फोटो छपने वाली है? नहीं कह नहीं छपेगी, ये छपेगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि नहीं है? नहीं नहीं, गणेश लक्ष्मी की फोटो छपवा दी जाए। जब वो समझ नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल जी समझ नहीं रहे? कौन नहीं समझ रहा? मतलब उसे गलत करेंगे तो फिर वो गलत है, वैसे सही के लिए सही है। छप जाए? छप जाए गणेश लक्ष्मी की फोटो, दिक्कत नहीं है? नेक जी ने कहा छप जाए, कोई गलती नहीं है, कोई बदले के वन बाय वन। प्रतीक जी देखिए, दोनों पार्टियों की यही दिक्कत है, ए पार्टी यानी कि बीजेपी और बी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी। हाँ। कि दोनों देश बांटने का काम कर रही है, ये हिंदुओं को बता रहे हैं कि दो तरह के हिंदू हैं। और ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मतलब ये जो आम आदमी पार्टी वाले क्या कर रहे हैं देखिए। कि मेरे को तो हंसी आती है कि केजरीवाल किस तरह के पढ़े लिखे व्यक्ति IRS हैं, ये बताइए गणेंद्र जी मेरे को। आपकी तो मजबूरी हो गई उनको बचाना, ये बताइए कि अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी हमारी, नीतियों से बढ़ेगी या सिर्फ फोटो छापने से बढ़ेगी? फोटो छापा। दूसरी बात, दूसरी बात यहाँ पे देखिए। हाँ। कि जो लक्ष्मी है, जो नोट है, जो सिक्के हैं, वो लक्ष्मी के रूप में ही पूजे जाते हैं, चाहे वो दिवाली का त्योहार हो या कोई भी त्योहार हो। तो ऐसा उसमें कुछ नहीं है कि आप फोटो छाप देंगे तो कुछ हो जाएगा। दूसरी प्रतीक जी, पहली बात तो मुझे अभी तक ये लगता था कि बीजेपी के लोग देश विरोधी हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, ये एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने का काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के साथी ने ये भी कह दिया कि हिंदुत्व भी दो हैं, हिंदू भी दो प्रकार के होते हैं, ये समस्या मेरी बाहर है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अभी एक साथी ने कहा, निश्चित तौर पर आज भी हम पैसे को, करेंसी को, सिक्के को, नोट को लक्ष्मी जी की तरफ पूजते हैं। और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये कहा है कि आज हम उनको पूज रहे हैं, अगर उन पर तस्वीर लगेगी तो निश्चित तौर पर इस देश के लिए अच्छा होगा, इस देश की समृद्धि के लिए अच्छा होगा, क्योंकि लक्ष्मी जी और गणेश जी इस देश की समृद्धि के प्रतीक है। 130 करोड़ भारतीय, अभी एक मुस्लिम साथी
वो प्रतीक है राम मंदिर जो जन्मभूमि है उसका जब अपमान कर रहे थे तब आपको याद नहीं आई थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ देखिए भारतीय बिजली के बिल फ्री कर देते हैं, पानी के बिल फ्री कर देते हैं, दिल्ली के मंदिरों की याद नहीं आती आपको, अब गुजरात चुनाव आ गया तो आपको हिंदुत्व की याद आ रही है। प्रतीक जी मैं सुबह से देख रहा हूँ कि लक्ष्मी गणेश जी के नाम पर पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, सबको लग रहा है पता नहीं अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कह दिया। अरे भैया अरविंद केजरीवाल का विरोध करो, लक्ष्मी जी गणेश जी का विरोध मत करो, लक्ष्मी जी गणेश जी का विरोध मत करो, लक्ष्मी जी गणेश जी का विरोध मत करो, आप लोग फर्जी हिंदू, फर्जी हिंदू। कहने लगे आप लोग फर्जी हिंदू हो। एक बोला दो तरह के हिंदू, एक कह रहा फर्जी हिंदू, एक कह रहा गणेश लक्ष्मी छाप दो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। वाह रे मेरे भैया, क्या नाम है तुम्हारा? मयंक। क्या नाम? मयंक। क्या नाम? मयंक। अरे बहरे हो क्या, सुनाई नहीं पड़ता तुम? मयंक नाम है मेरा। अरे हाय चमक चमको यार, मयंक की तरह ही चमको, समझ गए? कहाँ के रहने वाले हो? जोधपुर का। जोधपुर के? हाँ तुम लग रहे थे मुझे जोधपुर के। सारी बात सुन लो, समझ लो क्या हो रहा है। बोले कि भाई गणेश लक्ष्मी छाप दो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नोट के पीछे मुस्कुरा रहे हैं पीछे भाई ये भी ब्रदर्स। वक्त छोड़ जब ब्रेक का, कल तो सोलन में मिलूंगा।